बहुत बहुत स्वागत है आपके भाई जी। 90 के दशक में आप राजनीति, जो 90 का शुरुआती दशक था, उस दौरान आप राजनीति में आए और झारखंड आंदोलन उस समय उफान पर था, तो क्या राजनीति में आने की वजह क्या रही या महज कुछ संयोग रहा, उस पृष्ठभूमि को जानना चाह रहे थे। मैं एकदम स्टूडेंट लाइफ में ये है जब झारखंड आंदोलन से जुड़े हम लोग, और उस आंदोलन में कभी भी ये पॉलिटिकली ये बड़ा तस्वीर हमारे सामने नहीं था। हम लोग एक फ्रीडम फाइटर के रूप में शांति देश के आंदोलन को पढ़ा है, देश के आंदोलन के वीरों को किताबों में पढ़ा था। फीलिंग्स ये था अंदर से उस समय इतनी कम अवस्था में कि आपको आप अपने आप को उस जगह पर लेके खड़ा करते थे कि मुझे जैसे देश आज़ाद करने में जिन लोगों ने भूमिका अदा की, शायद ये स्टेट भी उसी तरह से मुझे आज़ाद करना है, मेरी भूमिका उसी रूप से है। हम लोग उस भूमिका में उतरे थे और उसमें जो अलग अलग जवाबदेही मिलती थी, थोड़ा आजू के साथ था कि थोड़ा इनके लड़ाई का तरीका थोड़ा अलग था, तो उस समय आप सोच सकते हो 10-12 का बच्चा किस रूप से चीज़ों को ले जाए। शायद इतनी पॉलिटिकल समझ नहीं थी, पर लड़ाई की समझ तो बड़ा स्पष्ट था कि ये मेरा जुनून की तरह था। जुनूनी रूप में हम सभी लोग एक फ्रीडम फाइटर के रूप में काम किए और उसी से फिर स्टेप बाय चले, मैं अपने आप को संभालते भी गया। अब आजसू का बिखराव भी आप सभी लोगों ने देखा है, और कोई भी लड़ाई देश में या देश से बाहर भी कभी भी इस तरह से जिस तरह से हम लोग लड़े थे, आजसू ने लड़ा, उसका परिणाम में बिखराव स्वाभाविक था। हम आंदोलन को पीक पर ले गए लेकिन हम संस्था को उतना सुरक्षित नहीं रख पाए, चूँकि इसलिए नहीं हो पाया चूँकि आजसू ऑर्गेनाइज नहीं रह पाया। उसका कारण सबसे बड़ा था प्रताड़ना, सहयोग जिस अपेक्षा को आप करते हैं कभी भी किसी लड़ाई में, वो सहयोग उस रूप से ना मिल पाना। इसलिए जो साथी भी आगे रहे हैं, सीनियर्स भी रहे हैं, बिखरा हुआ, और उस बिखराव के बीच में खुद को बचाना, यातनाओं सहना, जेल यात्रा करना। मैं 3-3 बार इसी आंदोलन में पुरुलिया, चाईवासा, रांची 2-2 बार मेरी जेल यात्रा इस हो पाई। मैं फिर उसके बाद परिवार, घर, तेरा भविष्य कहाँ ले जा रहा है, कई प्रश्नों के बीच से फिर खुद को स्टेबल करना, खड़ा करना, बहुत मैंने वो उस समय ही जिंदगी को बहुत नज़दीक से हम सभी लोगों ने देखा है और प्रदेश को बनते देखा, तो अपार खुशी भी। और तुलनात्मक रूप से वही सोल्जर्स का ही परिचय अपना बना है और वहीं से फिर राजनीतिक फैलाव हुआ है। मैं कमिटेड रूप से रहा, मैं जिस राज्य को बनाया उस राज्य को उसी स्वरूप और उसी भावना और उसी आकांक्षा से देखना चाहते थे। 2000 में आप पहली बार विधायक बने, 99 दिसंबर, और उसके बाद फिर मंत्री भी बने, सत्ता में कई बार रहे आप, तो पूरा इसको किस तरह से, कितने संतुष्ट रहे आप इस? मैं बिहार विधानसभा का सदस्य बन के गया पहले, मैं जब चुनाव लड़ा तो बिहार विधानसभा का था, और उस समय ये लड़ाई एक स्तर पर आ चुकी थी विधायक के रूप से भी। मैं ऑल पार्टी मीटिंग पहले भी अटेंड करता था, मैं नेशनल स्टूडेंट यूथ फोरम का हिस्सा रहा है, जब ही छोटे राज्यों के लिए मैं आजसू को जब लीड करता था तो उसका हिस्सा रहा मैं। एस के बासुमातारी उस समय एमपी होते थे कोकराझार का, वो हमारे चेयरपर्सन होते थे, हम लोग ने मिलके नेशनल फोरम बनाया जो गोरखालैंड इसको लेकर। मेरा अनुभव उस समय, मैं 97 में मुझे कोकराझार में उसके ट्रेनिंग कैंप में, उस समय थोड़ा उग्र आंदोलन ट्रेनिंग कैंप में बिताने का अवसर मिला। मैं पहला फ्लाइट भी उसी समय चढ़ा और उन्हीं के दिए टिकट पर पहली बार चढ़ के गया था कोकराझार। 3 दिन उनके पूरे सराउंड में वहाँ पर उनके लड़ाई का जो स्तर था उनका, वो अपने बोर्डों का, तो मैंने उसको बहुत नज़दीक से देखा, समझने का प्रयोग। उसी तरह गोरखालैंड वालों से मेरा काफ़ी अच्छा रहा, उनके साथ घनिष्ठता रही, मैं कई अवसरों पर उनके साथ गया। फिर उसके बाद यह अवसर मिला कि मैं जेक का चुनाव, जेक का गठन हो चुका था, जेक का चुनाव होना था, मैंने खुद को उस जेक के थोड़ा अनुकूल पाया, लेकिन उस समय मेरी उम्र नहीं थी। अगर उस समय जेक का चुनाव होता तो मैं 24 स्टिल तब 25 साल के पहले मैं लड़ नहीं सकता था, लेकिन उस समय जेक का चुनाव किसी कारण से टल गया। टलने के बाद विधानसभा का चुनाव आया, मैं अजय निर्दलीय जो परिचय एक फ्रीडम फाइटर के रूप में बना था उसी परिचय को लेकर उतरा और लोगों ने प्यार दिया और मैं विधायक के रूप में गया। तो मेरी जिस विधानसभा में गया, मैं उस विधानसभा का काफ़ी छोटा सदस्य था, मैं बिहार के उस वैभव और उतना जो उस समय के, चूँकि कुछ लोग नाम से कुछ लोग बल से मजबूत होते थे, तो मैं तो कभी कभी मुझे 3 बार मुझे लौटा दिया गया था गेट से, चूँकि आई कार्ड बना नहीं था, तो मुझे मैं थोड़ा
और पतला दुबला थोड़ा था उस समय उतना, तो मैं 2-3 बार गया, मैं मेंबर बोल के बोलता था तो नहीं, चूंकि आई कार्ड शुरू में बना नहीं था, तो फिर मुझे मजबूरन मुझे जो भेजा, फिर मैं आई कार्ड बाहर बाहर रहता था उसका दूसरे साइड, तो जाके आई कार्ड अपने एक सीनियर को पकड़ के आई कार्ड बनाया तो मुझे एंट्री मिली थी, नहीं तो गेट वाले भी मुझे नहीं पहचानते थे उधर जाने में। मैं रिक्शा से वहाँ से जाता था, वहाँ MLFE से वहाँ उतरता था, खड़ा होकर देखते रहता था उधर कौन आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, फिर एंट्री लेता था। एंट्री का अनुभव भी मुझे है कि एक प्रकरण हुआ था, आपको याद होगा कि उस समय एक अपशब्द मोदी जी के लिए कह दिए थे, उस समय विपक्ष के नेता हमारे थे, मैं विपक्ष में बैठा उधर जाके, ओपोजिशन बैठा, विपक्ष के नेता मोदी जी सुशील मोदी साहब हुआ करते थे, जिसको लेकर वो साधु यादव उनके जो मेंबर थे हाउस में, तो किसी शब्द को लेकर, चूंकि उस समय सत्ता परिवर्तन हस्तांतरित हुआ था, जो हालात अभी इधर है उस तरह का स्थिति था, तो मैंने मुझे CP सिंह साहब थे, मैं अगल बगल में थे, तो मैं अचानक वहाँ, मैं सोचा कि वॉयस लड़ाई होगा, लेकिन वो हाथ का लड़ाई में बदल गया था, और ये सभी लोगों जो माइक खोल के इधर उधर से चलने लगा, मुझे पकड़ के इन्होंने नीचे बोला कि इधर घुस जाओ, और अभी निकलना नहीं है अभी जब तक इधर फाइट चले, तो वहाँ से अनुभव शुरू होता है हाउस का कि किस रूप से फाइट वहाँ से शुरू हो रहा है। फिर वहाँ से आए, मैंने वहाँ भी, हम लोग 9 दिन की गवर्नमेंट बनी नीतीश बाबू की, मैंने विपक्ष में रहना पसंद किया, सत्ता में ले जाने के लिए मेरी एक्सरसाइज तो घर से शुरू हो गई थी, लालू जी का फ़ोन आया था मेरे पास, और यहाँ के तथाकथित सारे लीडर मेरे घर मेरे गांव पहुँच गए थे, और मैं ही फ़ोन से बात किया था उनसे, मुझे याद है वो बात, तो मैंने उनसे पहला लालू जी से फ़ोन में, घर में उस समय फ़ोन लग गया था, फ़ोन में मैंने बात किया, और उन्होंने कहा जी आओ समर्थन दो, मेरे साथ आओ, आप इधर मंत्री बनो, ये उनका ये था, तो मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए कि मुझे अलग राज दे दो, तो वो थोड़ा देर चुप हो गए, और उन्होंने कहा आओ आओ, जो अपना भाषा में वो बोले कि इधर आइए, फिर आपको जो चाहिए हम लोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप, मैं जब बोला तो बोला कि आओ आप उसको बताएंगे, बोला वो एक बोल दिए थे कि जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है, ये हाल हो जाएगा, ऐसा कुछ बोले थे, और मैंने भी फिर तय कर लिया था, उनके कुछ लोग भी बाहर से पहुंच गए थे कि कैसे पहुंचते हैं कहां पहुंचते हैं, मैं एक लड़ाई लड़ा उसमें, मैं जाने का तरीका फिर अपनाया अच्छू टाइप से, मैं पूरा फोर्स लेके इधर से मैं 150 लड़का लेके चला गया था, पहली बार मुझे पटना जाना है, तो पटना जाना है, मुझे लगा कि लड़ाई शुरू यहीं से ही हो जाएगा, तो अपनी जो तैयारी थी हम लोग बाय रोड छिपके निकल के फिर पहुंचे वहां पर, पहुंचने के बाद जोबा मांझी वहां पर थी, जोबा मांझी को उन्होंने किया था, उनको रीजनल थी, रीजनल जब उस समय आए थे हम लोग का थोड़ा नज़दीकी थे, नजम भाई थे, तो बैठे तो वो करने लगे कि हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए, मैं बोला मैं नहीं कर सकता, अब चले जाओ, वो आवास मंत्री बन गई, मैं विपक्ष में बैठना पसंद किया, मुझे लगा कि अलग राज्य से ये पे कोई भी स्वीकार मेरा नहीं होगा, मैं विपक्ष में रहना पसंद करूँगा, वहाँ से शुरू भी इधर अलग राज्य बना, संजोग से NDA की गवर्नमेंट बनी, तो मुझे मंत्रालय दिया, 26 साल में पूरे देश का पहला मंत्री के रूप में आया, और रहा कि वो इस का दे, और चेंज आया, आप देखे होंगे कि जब चर्चाएं हुई, जब वो प्रधानमंत्री के रूप में 2004 का चुनाव हुआ, तो आडवाणी साहब इसी मैदान में खड़े होकर बोले कि इस बार रोड को लेकर, इंफ्रा रोड को लेकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे, बोल के उनका भाषण था, जो मंत्रालय हमारा था। जब से आशु का नेतृत्व सुरेश जी के हाथ में गया, पार्टी के सीनियर्स लीडर जो आशु के फाउंडर थे, विनोद हो गए, आपके प्रभाकर जी हो गए, ललित महतो साहब हो गए, सारे लोग एक एक करके आशु से आउट होते चले गए, सुदेश पार्टी को हाईजैक कर रहे थे, हाईजैक कर लिया उन्होंने। मैं जब आशु ज्वाइन किया तो आशु में था, तो ये सारे साथी हमारे थे, और मैं जब पद में नहीं गया उससे पहले लोगों ने छोड़ के अपना रास्ता बना लिया था। आप लोग अगर उस समय नोट करते होंगे तो 22 जून पार्टी स्थापना दिवस मनाती थी, अब देखो 90 से 94 का पूरा पार्ट देखो, तो रांची में जो तथाकथित जो लीडर होते थे ना, वो 22 जून मनाने के लिए भी 500 कैडर खड़ा नहीं हो पाते थे, 500 में पेपर में पार्टी आ गई थी, अखबार में आ गई थी, तो अखबार चूंकि इतना फाइटर संगठन था जिसको आगे संचालन करने के लिए बहुत जिनका नाम लिए वो सब अपना अपना रास्ता ले लिए थे, अलग अलग पार्टी सब लोग अपना लिए, अपना सुरक्षित जगह चले गए थे, आशु कलाना किसी को पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने वहाँ से ही सबको जोड़ा, मैंने बेसरा साहब को भी जोड़ा, आप देखे होंगे कि मैं अध्यक्ष बेसरा साहब ही, ललित बाबू को भी अध्यक्ष रहे, वो कभी भी मैं संगठन और संगठन को बनाने के लिए हमेशा रहा, मैं विनोद दा का भी आज भी इज्जत करता हूँ, आज वो भी रहे तो सुदेश को फ़ोन करते हैं, मैं हमेशा चाहा कि ये लोग रहें। आपको याद होगा कि मैंने जब गृह मंत्री के रूप में जब एक
इसके लिए आंदोलनकारी कमेटी बनाई, मैं सारे ऐसे लोगों को डॉक्टर रामदयाल मुंडा से लेकर इन्हीं लोग को रखा कि ये रिजर्व लोग ही अच्छा रूप से इसका मूल्यांकन कर सकते हैं। मेरे कोई गति नहीं रही, मैं संगठन को चाहता था, संगठन खड़ा है। और आज देखो उस समय एक छात्र संगठन कुछ लोगों तक, कुछ हॉस्टल तक सीमित संगठन आज 260 ब्लॉक में फैला हुआ है। आज यहाँ का भी मेंबर, पार्लियामेंट मेंबर भी आपका एज अ पार्टी के रूप में आप स्थापित हो चुके हैं। तो ये आगे चला है और आगे ये बढ़ेगा। सर, कुर्मी ST का दर्जा मांग रहे हैं, राज्य भर में इसको लेकर कई राज्यों में आंदोलन चल रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? एकदम ये मांग नहीं रहे, इनका हक है, ये हक है कुर्मी। आप देखोगे पुराने गजट पे चले जाओ आप, मैंने आज़ादी से पहले जब सबसे पहले जब जनगणना हुई 11 के बाद 13 में पहली बार जब पब्लिश हुआ, 13 में जो आया 11 के बाद आया, तो उस समय आदिम जनजाति बोल के डिक्लेयर्ड हुआ है। उस सूची में आप देखेंगे तो कुर्मी पब्लिक, कुर्मी को उसमें शामिल किया गया है। 31 का पब्लिक भी देखो, 31 का जनगणना भी हुआ, तब भी आप इस चीज़ को आप वहाँ देखेंगे कि कुर्मी उनके सरकारी, भारत सरकार के गजट का हिस्सा है। 51 में जब पब्लिश हुआ तो ये नाम हट गया। तो कहीं ना कहीं हम ये पूरा समुदाय जिस जो अपना जो हक था, अपना जो पूर्व जो इनकी मान्यता थी, उसके लिए पहल कर रहा है और ये लड़ाई इनका जायज लड़ाई है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।